हम आज ये एकता अपार्टमेंट पीरागढ़ी आए हैं, एकता इंग्लेव और इंग्लेव में आए हैं। यहाँ से एक डेड बॉडी लेनी थी फर्स्ट फ्लोर से और उसको एम्बुलेंस में डालना था। यहाँ पर इतना बड़ा ब्लॉक है, सब छतों पे खड़े हैं और देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करी और कोई हेल्प के लिए नहीं आया। और हमारे यहाँ पर एक आदमी को रोका, उन्होंने हमारे कहने से हेल्प करी और वो यहाँ का नहीं है, रोहिणी से आए, कह रहे हैं, बता रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा ये कहाँ रहते हैं। वैसे आप कहाँ रहते हैं जी? रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। जोर से बोलेंगे थोड़ा। रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अपने फ्रेंड के पास आया था फोटोग्राफी का डाटा लेने के लिए। मैंने आपको ये बोला कि मतलब हेल्प कर दो कोविड के लिए, सिंपल सा पूछा, बट मैंने वो कर दिया। नहीं, आपने बहुत बहादुरी का काम किया, आपको नहीं पता जो आजकल मोहल्ल में जो इतना बड़ा ब्लॉक होने के बावजूद किसी ने आगे हेल्प के लिए नहीं आए और आप जाए। मैं सभी लोगों से बोलूँगा, इस भाई साहब का नाम क्या बताया था? दिलशाद। दिलशाद, यस। आप मुसलमान हैं? जी हाँ। देखो, मुसलमान है ये और मतलब आगे बढ़ के करा, और लोग हिंदू मुस्लिम का अपना बड़े बड़े बातें करते हैं। और आप एक हल्का सा मास्क उतार के दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से कहूँगा इन लोगों को इसको अप्रिशिएट किया जाए। ये बच्चा है, उम्र इसकी कोई ज़्यादा नहीं, कितनी उम्र आपकी? 22। बहुत ही शर्म की बात है इस ब्लॉक के लोगों के लिए। और मैंने पहले भी बोला था, जब भी एम्बुलेंस आए तो थोड़ी सी हेल्प के लिए आए, और कोई ज़्यादा बड़ी हेल्प की जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने करी नहीं किसी ने। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।